आगे बढ़ता हूं, अगला टाइप है, नेक्स्ट टाइप है, नेक्स्ट से नेक्स्ट टाइप है, और हेडिंग लगा लीजिएगा दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब। डीपी यादव गुड आफ्टरनून, कैसे हो? तो अगली हेडिंग लगाओ, अगली हेडिंग हमारी क्या है, दर्पण प्रतिबिंब समय, दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब समय, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं क्या, मिरर इमेज टाइम, इसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मिरर इमेज टाइम। ये हमारा हो गया आपका दर्पण प्रतिबिंब समय। ऋषभ जी शराब दिया जाएगा, शराब, और आपको उसमें चखना भी मिलेगा, चखना, शराब और चखना। देखिए अगला क्या है, अगला है जल प्रतिबिंब समय, अगला है जल प्रतिबिंब समय, अगला है जल प्रतिबिंब समय, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं वाटर इमेज टाइम, वाटर इमेज टाइम बोलते हैं। तो अब ये मैं दोनों डिस्कशन आपके साथ करने वाला हूं। विवेक जी आप बिल्कुल रोइए नहीं, आपको भी चखना मिलेगा और आपको शराब भी मिलेगी, बिल्कुल रोना नहीं। अच्छा नेट नहीं आ रहा है आपका, इसलिए आप रो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, शराब पियेंगे नेट ऑटोमेटिक आ जाएगा। चलिए देखिए दोनों कॉन्सेप्ट समझना है, बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट होने वाले हैं, तो आपको यहां पर बहुत मेहनत करनी है। देखिए पहली हेडिंग लगा लीजिए मिरर इमेज टाइम, तो अभी हम लोग पहले क्या पढ़ेंगे, पहले हम लोग पढ़ेंगे मिरर इमेज टाइम। पहली हेडिंग हम लोग लगा लेते हैं मिरर इमेज टाइम। अब मिरर इमेज टाइम को समझेंगे, क्वेश्चन कैसे आएगा, कहेगा कि एक घड़ी में 6 बजा हुआ है, एक घड़ी में 8 बजा हुआ है, बताओ दर्पण में कितना दिखाई देगा, एक घड़ी में 6:40 हुआ है, बताओ दर्पण में कितना दिखाई देगा, एक घड़ी में 8:20:23 हुआ है, बताओ दर्पण में कितना दिखाई देगा, ऐसे सवाल आपको आएंगे। और आपको याद होगा कि आपको नॉन वर्बल रीजनिंग में है, उसमें नॉन वर्बल रीजनिंग में आपको पढ़ाया गया था मिरर इमेज, याद करो, याद करो, नॉन वर्बल इमेज में पढ़ाया गया था, नहीं मिले पढ़ाया गया था बताओ, आपको पढ़ाया गया था नॉन वर्बल रीजनिंग में, आपको पढ़ाया गया था क्या, मिरर इमेज टाइम, आपको याद होगा, नहीं याद होगा तो आप याद रखें, आपको मिरर इमेज टाइम वहां पर पढ़ाया गया था। ये है हमारी घड़ी, और घड़ी को हम यहां पर बना के आपको समझाने वाले हैं कि मिरर इमेज टाइम हम कैसे समझेंगे। ये 12 है, ये 6 है, ये 3 है, ये 9 है, ये 10 है, ये 11 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 7 है, और ये आपका 8 है। अगर मिरर को मैं इधर रख दूं, अगर मिरर को मैं इधर रख दूं, तो ये आपको बात याद रखनी है कि ये मिरर इमेज कहलाएगा। मिरर चाहे लेफ्ट में हो चाहे राइट में हो, तो वो सवाल मिरर इमेज का है, लेकिन अगर वही मिरर लेफ्ट या राइट से अप या डाउन चला गया, तो बाबू वो क्वेश्चन जो है मिरर इमेज का नहीं रह जाता है, वो क्वेश्चन हो जाता है वाटर इमेज का, वो क्वेश्चन हो जाता है वाटर इमेज का क्वेश्चन हो जाता है। अभी हम वाटर इमेज पर चर्चा करेंगे, तब हम आपको वहां पर समझाएंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर जब मैं इस घड़ी को फिर से इस साइड में देखूंगा, तो ये घड़ी मेरी टेढ़ी मेढ़ी नहीं हो जाएगी, जैसे है वैसे ही रहेगी। लेकिन समय की अगर मैं बात करूं, समय की अगर मैं बात करूं, तो आप देखो ये हमारी घड़ी जो है ऐसे पलट जाएगी, तो इधर आ जाएगा 11, यहां हो जाएगा 9, यहां हो जाएगा 3, यहां हो जाएगा हमारे पास कितना, 1, 2, 4 और ये 5, यहां पर 7, यहां पर 8 और यहां पर, आपने देखा, आपने देखा क्या देखा कि जो भैया गया, देखो अप एंड डाउन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मैंने बताया था कि जब हम दर्पण शीशे में देखते हैं अपना चेहरा, अपना चेहरा जब शीशे में देखते हैं, तो सिर ऊपर का ऊपर रहता है, पैर नीचे के नीचे रहते हैं, लेकिन दायां हाथ बायां हो जाता है, बायां हाथ दायां हो जाता है, बताया गया था ना। तो आपने देखा, आपने देखा क्या कि ये 11 हो गया, 1, 10 हो गया, 2, 9 हो गया, 3, 8 हो गया, 4, 7 हो गया, 5, इसका मतलब जो टाइम है सबका योग जो है किसके बराबर है, 12 के बराबर है।
तो पहला पॉइंट यहां से समझ में आया, देख लो यहां पर देख लो, सबका योग 12 के बराबर है। पहला पॉइंट ये समझ में आया कि अगर हमारे क्वेश्चन में पूरा पूरा घंटा दिया गया है, पूरा पूरा घंटा दिया गया है, तो उसको हम 12 से घटा के उत्तर कर सकते हैं। जैसे हम आपसे कहें कि बताओ घड़ी में 8 बजा है, घड़ी में 8 बजा है, दर्पण में कितना दिखाई देगा, तो आप कहोगे सर 8 बजा है तो घड़ी में कितना दिखाई देगा, 4 दिखाई देगा। 8 कहां, 4 कहां से आया है, 12 से हमने 8 घटा दिया है, 12 से 8 घटा दिया है, जल्दी बताओ, सबको समझ में आ गई, 4 का 8, 8 का 4, बिल्कुल नहीं सा। अब दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है जिसमें घंटा और मिनट, इसमें तो केवल घंटा दिया गया था आपको, अब क्वेश्चन ये आ सकता है कि जिसमें घंटा मिनट दोनों दिए हो, कहेगा कि भैया 8:20 हुआ है, अगर 8:20 हुआ है तो बताओ, तो बताओ कितना बजेगा, तो अब घंटा मिनट दोनों आएगा, तो मैं क्या करूंगा, इस 12 को क्या लिख लूंगा, 11:60, इसमें से एक घंटा मैं इधर ले गया, उसको मिनट बना दिया। तो जब आपके प्रश्न में घंटा और मिनट दोनों दिया गया होगा, जब आपके प्रश्न में घंटा और मिनट दोनों दिया गया होगा, तो उसे हम 11:60 से घटाएंगे। मेरा कहने का मतलब बस इतना है। अब हो सकता है कि आपके क्वेश्चन में घंटा मिनट सेकेंड तीनों दे दिया जाए, घंटा भी हो मिनट भी हो और सेकंड भी हो, तो आप घटाओगे किससे, 11, आप घटाओगे 11:61 से। तो ये हो गया हमारा मिरर इमेज टाइम। मिरर इमेज टाइम आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, एक बार कमेंट करके बताओ, फिर मैं इस पे क्वेश्चन कराता हूं। मैं तीन बातें बताया, अगर क्वेश्चन में घंटा दिया गया है तो इससे घटा दो, घंटा मिनट दिया है तो इससे घटा दो, घंटा और मिनट सेकंड दिया है तो इससे घटा दो। जल्दी से कमेंट करके बताओ, इतनी बात समझ में आ गई सबको, बिल्कुल, भूपेन जी को आ गया है, योगेंद्र जी को आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक, भूपेंद्र जी को आ गया है, योगेंद्र जी को आ गया है, और सभी लोग यहां तक समझ गए हैं। अब मैं आगे बढ़ूं, क्वेश्चन बढ़ूं, तो आप लोग अपनी बुकलेट में देखिए, आप लोगों की बुकलेट में क्वेश्चन यहां पर देखने को मिल जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा बुकलेट में हेडिंग लगी होगी दर्पण प्रतिबिंब समय, तो दर्पण प्रतिबिंब समय की अगर हम बात करें, निशा एक में सर नोट कर लें, हाँ बिल्कुल निशा जी नोट कर लीजिए, मैं पूरा समय दे रहा हूँ आपको। विनय साई जी भी हैं, यस सर, निशा क्या लिख रहे हैं, मिटाना मत सर, बिल्कुल नहीं मिटाएंगे, बिल्कुल नहीं मिटाएंगे, नोट कर लीजिए, फिर हम इस पे आपको क्वेश्चन कराएंगे। और हम ये पढ़ रहे थे मिरर इमेज टाइम, हम लोग ये पढ़ रहे थे मिरर इमेज टाइम, तो आप मिरर इमेज टाइम को अच्छे से समझ चुके होंगे। निशा हो गया बेटा, नोट हो गया, निशा डन, चलिए देखिए। तो अब आपकी बुकलेट का पहला क्वेश्चन अगर मैं उठाऊं यहां पर, तो आपकी बुकलेट में पहला क्वेश्चन दिया गया है, पहला क्वेश्चन दिया गया है कि एक घड़ी में टाइम क्या हुआ है, 4 बजा है। अब बताओ 4 का मिरर इमेज क्या आएगा, तो 4 का मिरर इमेज कितना आ जाएगा, 4 का मिरर इमेज कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। बताओ समझ में आया, 4 का मिरर इमेज कैसे आया, 8, हमने कहां से घटाया, पूरा 12 से घटा दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है 4:40, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है आपकी बुकलेट में, 4:40 का मिरर इमेज बता दो। तो आप देखो 4:40 की अगर बात है, तो आपने देखा घंटा और मिनट दोनों दिया है, अगर घंटा मिनट दोनों दिया है तो 11:60 से घटाना पड़ेगा, 60 से 40 घटा दो कितना बचा, 20, तो इधर आएगा 20, आगे 11 से घटा दो कितना, 4, 7, 4, 11, तो इसका आंसर हो जाएगा 7:20, 7:20 होगा। अंशु गोले, अंशु गोले बाबू, 7:29 नहीं, टाइपिंग मिस्टेक है आपकी, 7:20 होगा। अगला क्वेश्चन आपकी बुकलेट में दिया गया है, क्या कह रहा है कि 4:40, तीसरा क्वेश्चन आपको दिया गया है 4:40:53 का बताना है मिरर इमेज, तो 53 को घटा दो, आप किसके घटाओगे, 11:61 से, 53 को घटा दिया, 7 आ गया पीछे, यहां पर हमने देखा 61 से घटाएंगे कितना, 40, 61 से 40 घटा देंगे कितना बच जाएगा, यहां पर 19 बच जाएगा,
और चार को घटा दो 11 से, तो क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 7:19:07। बिल्कुल विवेक जी एकदम सही उत्तर आ रहा है आपका, एकदम सही उत्तर आ रहा है आपका 7:19:07। सभी लोगों का उत्तर आ रहा है, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये टाइप आप समझ गए होंगे, ये टाइप आप समझ गए होंगे, आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एक क्वेश्चन का कमेंट करके उत्तर आप हमें और बता देंगे। आपसे हम पूछना चाहते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 5:45, 5:45 का मिरर इमेज टाइम कितना आएगा, जल्दी से बता दो। 5:45 का मिरर इमेज टाइम कितना आएगा, जल्दी से बता दो कमेंट करके एक बार हमें। बताएं 5:45 का मिरर इमेज टाइम कितना आएगा, तो आप कहोगे सर 5:45 दिया है, 5:45 दिया है, तो इसे घटा देना है किससे, 11:60 से घटा देना है। 45 घटाऊंगा तो क्या बचेगा, 15 बचेगा। आगे हमारे पास 11 है, 6:05:11 होता है, तो 6:15। बिल्कुल प्रीति जी 6:15 आएगा। विवेक जी का आंसर है, एमडी रजा जी का आंसर है, योगेंद्र जी का आंसर है, विनय साई जी का आंसर है। अच्छा आप लोग ये बताओ, अगर सभी क्लासों को ऑनलाइन ही शिफ्ट कर दिया जाए तो कितना अच्छा रहेगा, हर आदमी अपने घर में पढ़े, प्रीति जी को आना नहीं है, बच्चा पास में बैठा है, दूध पिला दे रही है उसको शीशी में दे के, उसे खिला भी ले रही है, घर का सारा काम भी हो रहा है, वीडियो भी देख रहे हैं, कितनी अच्छी बात है। अगर सारा बैच ऑनलाइन ही चलने लगे तो कितनी अच्छी बात है। दीक्षा जी कह रहे हैं नो सर, क्यों, क्योंकि हमको घर से बाहर जाने को नहीं मिलेगा। विवेक जी कहेंगे बहुत अच्छा है, क्यों, क्योंकि 40 किलोमीटर दूर से आना नहीं पड़ेगा। निशा ऑफलाइन होगा ना, ऑफलाइन होगा जब हमारे योगी जी मोदी जी ऑर्डर करेंगे, हम लोग प्रकट हो जाएंगे ऑफलाइन में, जब तक उनका आदेश है हम लोग अंदर छिपे हुए हैं। अरे योगेंद्र जी जब बुलाओगे घर पे आ जाएंगे चाय पीने के लिए, उसे मिलना क्या है, आज आपके यहाँ चाय पियेंगे, कल विवेक जी के यहाँ चले जाएंगे, फिर निशा जी के यहाँ चले जाएंगे, प्रीति जी के यहाँ चले जाएंगे, सुबह क्लास पढ़ाएंगे, शाम को चाय पीने जाएंगे, उसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं, मिलने वाली कोई दिक्कत ही नहीं। निशा जी आप कहां से आती हो बताओ, निशा कहां से आती हो तुम जी। बिल्कुल, चलिए भाई, तो ये टाइप क्लियर हो गया है, मिरर इमेज सबको क्लियर हो गया है। अब आप लोग इस अपनी बुकलेट में अंतिम नंबर टाइप क्वेश्चन पढ़ें, अंतिम नंबर टाइप क्वेश्चन पढ़ें, इस टाइप में एक अंतिम क्वेश्चन दिया होगा, अंतिम क्वेश्चन दिया होगा उसे पढ़ें। चलिए अंतिम क्वेश्चन पढ़ें जो आपकी बुकलेट में दिया गया है। अरे भोजीपुरा से आप आती हैं, तो मैं तो भोजीपुरा में कोचिंग खोलने वाला हूं, मैं तो भोजीपुरा में कोचिंग खोलने वाला हूं, मैं डेली भोजीपुरा पढ़ाने आऊंगा, बताओ। अच्छा भोजीपुरा से भी आगे 3 किलोमीटर है, तब तो सही रहेगा, भोजीपुरा में कोचिंग हो जाएगी और निशा जी बढ़िया वहीं पढ़ने आया करेंगी, निशा जी की दूरी खत्म हो जाएगी। चलिए भाई अब आगे बढ़ते हैं और हम आपकी सीट में अंतिम क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। आप अंतिम क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार पेपर में पूछा गया है, तो हम आपको समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए, अंतिम क्वेश्चन क्या दिया है मैं आपकी बुकलेट से पढ़ देता हूं। क्वेश्चन में दिया है कि एक कॉन्फ्रेंस हॉल में, सबको क्वेश्चन मिल गया एक बार कमेंट करके बताओ, सबको क्वेश्चन मिल गया, एक कॉन्फ्रेंस हॉल में दीवारों पर 205 दर्पणों को लगाया गया है। हाँ बिल्कुल योगेंद्र जी, बिल्कुल 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 मिल गया सबको,
क्वेश्चन, जिस कमरे में आप बैठे हो उसी कमरे को मैं एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूं, जिस कमरे में आप बैठे हो उस कमरे में लगाए गए हैं शीशे कितने, 205। अब 205 शीशे ऐसे लगाए गए हैं और उस कमरे में एक घड़ी लगाई गई है। रजत गंगवार जी गुड मॉर्निंग, अच्छा गुड आफ्टरनून हो गया है, चलो गुड आफ्टरनून। तो 205 मिरर लगाए गए हैं इसमें और क्वेश्चन ये कह रहा है कि उस एक कमरे में एक घड़ी भी लगी हुई है और शीशों की सेटिंग ऐसे बनाई गई है कि जो घड़ी है उसका दर्द उसका प्रतिबिंब जो है पहले शीशे में बन रहा है, पहले शीशे का दूसरे शीशे में बन रहा है, दूसरे का तीसरे में, तीसरे का चौथे में, चौथे का पांचवें में, पांचवें का छठे में, ऐसे 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 दर सभी में दर्पण प्रतिबिंब बनता जा रहा है। तो आपसे किसी में भी पूछा जा सकता है, आपसे किसी में भी पूछा जा सकता है कि 205 शीशों में से आप किसे किसी में पूछा जा सकता है कि किस शीशे में कितना बजेगा। इतनी बात समझ में आई। और घड़ी का समय क्या दिया है, घड़ी का समय दिया है 8:42। घड़ी में इस समय हो रहे हैं 8:42। घड़ी में इस समय कितना हो रहा है, 8:42 हो रहा है। अरे अभी कहाँ, ये तो छोटा क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को इससे बड़ा क्वेश्चन दिखा देता हूँ। आप देखो आपकी बुकलेट में एक हेडिंग लगी होगी विविध, आप लोग अगला पेज खोलो, वहां पर एक क्वेश्चन लगा होगा, एक हेडिंग लगी होगी विविध, जरा उसे खोल के देखो और विविध का पहला उदाहरण पढ़ो, विविध का पहला क्वेश्चन पढ़ के देखो। और ये क्वेश्चन पूछा गया था आईएएस प्री में, जो विविध का पहला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आईएएस प्री में पूछा गया था, एक बार ट्राई करके देखो, पढ़ के देखो, केवल केवल क्वेश्चन पढ़ना है बस। सब लोग एक बार पढ़ के देख लो केवल बस। अब ये हमारी घड़ी का टाइम है, ये हमारी घड़ी में टाइम जो है वो बताया गया है, घड़ी में ये टाइम आपका दिया गया है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपकी घड़ी में जो समय दिया होता है उसको देख के मैं मिरर में बता सकता हूं, इससे घटाकर 12 से घटाकर या 11:60 से घटाकर या 11:59:60 से घटाकर। उसी सेम तरीके में अगर आपके घड़ी में समय दे दिया, आपके दर्पण का समय बता दिया जाए और दर्पण में देख के बताना हो कि ओरिजिनल घड़ी में कितना बजा है, तब भी कोई दिक्कत नहीं, कॉन्सेप्ट यही चलता है। अगर मैं कह दूं कि एक घड़ी के शीशे में दिखाई दे रहा है कि 8 बजा है, बताओ घड़ी में रियल में कितना होगा, घड़ी में रियल में कितना होगा, तो आंसर आ जाएगा 4। तो आपको कुछ नहीं करना है, उसी चीज को फॉलो करना है, बस उल्टा करके आगे पीछे करके। तो अब आप देखो यहां पर आप सबने पढ़ लिया क्वेश्चन, मजा आया होगा, पूरी कहानी है इसमें, बिल्कुल निशा जी बिल्कुल कहानी है, बड़ा होगा क्वेश्चन। अब देखिए, तो आप यहां से ये बता सकते हो कि पहले शीशे में कितना बजेगा। अगर मैं पहले शीशे की बात करूं, पहले दर्पण की बात करूं, फर्स्ट दर्पण की अगर मैं बात करता हूं, तो आप पहले दर्पण में बता सकते हो कितना बजेगा, बिल्कुल आप बता सकते हो। कैसे, आप इसको घटा सकते हो 11:60 से, 11:60 से घटाओगे तो आपको पता चल जाएगा पहले दर्पण में कितना बजेगा, तो ये आ जाएगा 8, ये 18 और 8 3 11, 3:18 जो होगा वो पहले दर्पण में होगा, 3:18 जो होगा वो पहले दर्पण में होगा, ठीक है। अब दूसरे दर्पण में कितना बजेगा, तो पहले दर्पण का प्रतिबिंब जो है वो दूसरे दर्पण में बन रहा है, पहले दर्पण का प्रतिबिंब दूसरे दर्पण में बन रहा है। तो अगर दूसरे दर्पण में तीन, पहले दर्पण में 4 मिनट दिख रहा है, तो दूसरे दर्पण के अंदर कितना दिखेगा, फिर मुझे 11:60 से घटाना पड़ेगा इसको, फिर मुझे 11:60 से घटाना पड़ेगा और घटाऊंगा तो अब कितना आ जाएगा, अब आ जाएगा 8:42। अब कितना आ जाएगा, 8:42 आ जाएगा। अगर मैं कहूं तीसरे दर्पण में कितना बजेगा, तो तीसरे दर्पण में जाने के लिए मुझे फिर इसको घटाना पड़ेगा, फिर इसको घटाना पड़ेगा किससे, 11:60 से। तो आपको पता चला एक बार 3:18 आएगा, एक बार आएगा 8:42, एक बार 3:18, एक बार 8:42, एक बार 3:18, एक बार 8:42। यहां तक सबको समझ में आया है, तो आप एक बात समझो, तो आपसे वो पूछेगा क्या, कहेगा बताओ 200 शीशे में कितना बजा है, 199 वाले शीशे में क्या दिखाई दे रहा है, 205 शीशे में क्या दिखाई दे रहा है। तो यहां शीशे दो प्रकार से होंगे, शीशे दो प्रकार से होंगे, एक शीशा होगा जो सम स्थान पे आएगा, एक शीशा जो होगा वो सम स्थान पे आएगा, और एक शीशा होगा जो विषम स्थान पे आएगा।
सम विषम का मतलब समझ रहे हो, सम विषम का मतलब समझ रहे हो, जो दूसरे नंबर पे आएगा वो सम कहलाएगा, जो चौथे नंबर पे आएगा वो सम कहलाएगा, जो छठवें नंबर पे आएगा वो सम कहलाएगा, जो सम गिनती वाला आएगा वो सम स्थान कहलाएगा, जो एक पे आएगा, पाँच पे आएगा, सात पे आएगा, 199 पे आएगा, 205 पे आएगा, वो विषम कहलाएगा। तो आपको याद रखना है कि सम स्थान पे कौन सा समय आएगा, सम स्थान पे कौन सा समय आएगा, तो सम स्थान पे हमेशा आएगा आपका वास्तविक समय। सम स्थान पे आपका कौन सा समय आएगा, सम स्थान पे हमेशा आपका आंसर क्या आएगा, वास्तविक समय आएगा। और विषम स्थान पे क्या आएगा, तो विषम स्थान पे आएगा हमेशा पहले दर्पण का समय, पहले दर्पण का समय आएगा। जो मैं समझाना चाह रहा हूं, क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं, क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? सम स्थान वाले में क्या आएगा कि जो रियल टाइम होगा वॉच में वो आपको दिखाई देगा, वो आपको दिखाई देगा। और जो विषम स्थान वाले हैं, ऑड प्लेस वाले हैं, उसमें क्या दिखाई देगा, जो फर्स्ट दर्पण में दिखाई दे रहा होगा वो दिखाई देगा। जल्दी से कमेंट करके बताओ यहां तक बात समझ में आई कि नहीं, यहां तक बात समझ में आ गई है? निशा जी देखिए क्वेश्चन कितना बड़ा था, उसको हमने कितना आसान बना दिया है। योगेश राठौर 44 बार क्या कहना चाह रहे हो, 44 बार आप क्या कहना चाह रहे हो, हम समझ ही नहीं पाए उस बात को, हम पढ़ाने में बिजी है ना, तो कमेंट बहुत कम देखते हैं। तो अगर मैं आपसे कह दूं, देखिए अब मैं शीशे का नाम लूंगा, मैं कहूंगा बताओ 50वें शीशे में कितना समय दिखाई देगा, 50वां, 50 नंबर क्या है, सम संख्या है, इसका मतलब उसमें वास्तविक समय आएगा, मतलब आंसर हो जाएगा 8:42 में। अगर मैं आपसे कहूं 50वां सवाल कौन सा बनेगा, 50वें शीशे में क्या दिखाई देगा, तो 50 एक इवन नंबर है, इवन नंबर में हमेशा रियल टाइम प्रतीत होगा, और आंसर क्या हो जाएगा 8:42। बताइए, कुछ नहीं भूलोगी निशा जी, अरे आप इतनी बातें याद रखे हो, इतनी पुरानी पुरानी बातें आपको याद है, आप क्वेश्चन भूल जाओगे, बिल्कुल नहीं भूलोगे। यहां लोगों को कक्षा नर्सरी का कक्षा गग्घा याद रहता है, ठीक है? तो आपके क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, आप हमें जल्दी से बताओ आपके क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताओ, बताओ क्या, बताओ, कह रहा है कि 71वें शीशे में कितना बजेगा, आपको बताना है 71वें शीशे में कितना बजेगा। और आपने देखा ये जो 71 वाला नंबर शीशा है, ये एक ऑड नंबर पे आया, ये एक ऑड नंबर पे आया है, और ऑड नंबर पे आया होगा तो मेरा आंसर क्या बनेगा, जो पहले दर्पण में आ रहा होगा, और पहले दर्पण में कितना आया था, पहले दर्पण में आया था 3:18। उम्मीद करते हैं कि अब ये टाइप आप अच्छे से समझ गए होंगे, अब आप इस टाइप का सवाल हवा में उड़ा देंगे, आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। आगे बढ़ जाएं, सौरभ दिवाकर जी कह रहे हैं बिल्कुल सर समझ गए हैं। तो ये टाइप खत्म होता है, अब हम बात करेंगे आपसे मिरर इमेज, अब हम बात करेंगे आपसे वाटर इमेज टाइम की, वाटर इमेज टाइम की बात करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको मजा आ रहा होगा, नई नई चीजें सीखने को मिल रही होंगी। सर अब स्कूल बंद है, अब तो स्कूल बंद है, अच्छा अब तो स्कूल बंद है, कोई बात नहीं, तो स्कूल की बातें थोड़े भूल जाएंगे, स्कूल के वो दोस्त, वो स्कूल में जब लंच होता है तो एक दूसरे का टिफिन खाना, और स्कूल में बैठ के सट्टा गुट्टा खेलना, वो बातें थोड़े भूल जाएंगे हम। शिखा जी क्या हो गया भाई, शिखा जी हाँ, और कैंटीन में दोस्तों के साथ जाना, प्रांजल को तो वही याद रह गया बाकी सब भूल गए हैं, प्रांजल को तो यही याद रह गया है बाकी सब भूल गए हैं। फोन आ रहा है, तो आप सभी लोग हेडिंग लगा लें, अगली हेडिंग है आपकी क्या, अगली हेडिंग लगा लें वाटर इमेज टाइम। अब आपको मैं वाटर इमेज टाइम पढ़ाऊंगा, फिर क्लास यहीं पर खत्म हो जाएगी। अब अगला जो हमारा टाइप है वो है हमारा वाटर इमेज टाइम। तो सभी लोग वाटर इमेज टाइम को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है वाटर इमेज टाइम से।
अगर हम वाटर इमेजिंग टाइम की बात करें तो आपको एक बात याद रखनी है कि कभी कभी आपको उल्लू बनाने के लिए, आपको परेशान करने के लिए क्वेश्चन में लिख दिया जाता है दर्पण, और वो दर्पण आपको नीचे लगा दिया जाता है। सिखा क्या कह रहे हो बेटा, सिखा क्या कहना चाह रहे हो, समझ में नहीं आ रही चीजें, आप क्या कहना चाह रही हो, कमेंट पढ़ लेते हैं एक बार। सिखा जी ने क्या कहा है, सर आठ वाला, आठ ही वाला तो बताए हैं सिखा, ये आठ वाला बताइए, आठ वाला बताइए, ये आठ वाला तो था, ये आठ वाला ही तो था, कॉन्फ्रेंस हॉल वाला, वही तो आठ नंबर है, उसमें नंबरिंग सही कर लेना, आगे पीछे हो गया होगा। बिल्कुल निशा पढ़ रहे हैं, आपका मैसेज पढ़ रहे हैं, बिल्कुल आपका पढ़ रहे हैं। अच्छा क्लास में कोई तो नहीं कहता सर आप हमारा नाम नहीं ले ले रहे हो, जब सुनने की बात आती है तो सब बिजी हो जाते हैं, सर हमसे सुनिए जरा, ऐसा तो कोई नहीं कहता है, और यहाँ सब नाम के चक्कर में परेशान है, सब चाह रहे होंगे सर के वीडियो में जो हमारा नाम सेव हो जाएगा तो कोई भी बच्चा देखेगा तो बार बार हमारा नाम आएगा वीडियो में ना, तो पता है तुम लोग बहुत होशियार आदमी है। चलिए देखें,